देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र साथ साथ बोले, ओ आत्मीय परिजनों, आज बसंत पर्व, ये पर्व हमारे मिशन का बहुत महत्व रखता है। इस मायने में रखता है कि जिसने इसको स्थापित किया था, जिनका आज जन्मदिन है, खुशी का दिन है। बसंत पर्व तो वैसे भी एक खुशी का पर्व होता है, हरियाली होती है, बसंत छाया हुआ होता है। पशु पक्षी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर एक उमंग और उत्साह होता है जन्म इस पर, बसंत पर्व पर। जहाँ भी आप जाएंगे, आपको पीला पीला हरियाला, बिल्कुल हरा भरा मालूम पड़ेगा। उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति में एक चेतना आवे, और चेतना उस मायने में आए
कि उसकी स्फूर्ति, उसकी भावनाएं, उसकी निष्ठा, उसकी श्रद्धा समर्पित समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। गुरुजी ने यही किया। उन्होंने जो आप दिखाई पड़ रहे हैं वो और जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं वो, उन्होंने पहला काम ये किया कि अपनी धुलाई की और अपनी रंगाई की। गायत्री माता में अपने गुरु में इस तरीके से समा गए और उनके अंदर इस तरीके से गायत्री माता और गुरु समा गए कि देखने वाले भी, आगे आने वाली पीढ़ी भी ये सराहेगी कि हाँ कोई ऋषि और संत इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। माला तो औरों ने भी थमाई होंगी लेकिन दिशा धारा किसी ने नहीं दी होगी। उन्होंने प्रेरणा दी, प्रेरणा ही नहीं दी बल्कि लाखों करोड़ों के हाथ में माला भी थमा दी। आज जिसको कहते आस्तिकता, आस्तिकता जो धर्म के नाम पर ये कहते थे कि ये तो अफीम की गोली है, अफीम की गोली नहीं है, ये सारा विश्व इसको मानता हुआ चला जा रहा है और साम्यवाद का सफाया होता हुआ जा रहा है, सफाया हो जाएगा, बिल्कुल सफाया होता हुआ चला जाएगा और सारा विश्व नजदीक होता हुआ चला जाएगा। जी किसके द्वारा हुआ? उस ऋषि या उस संत के द्वारा हुआ जिन्होंने अपना जीवन एक दांव पर लगा दिया। किसकी जीत होगी? अध्यात्म की जीत होगी, ये समझ लेना। जिसके अंदर अध्यात्मवाद है उसी की जीत होती है। और उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया, यहाँ तो दुनिया में अनेक संगठन बनाए जाते हैं, बहुत संगठन बनाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक भावनाशील श्रद्धावान व्यक्तियों का एक संगठन बनाया, ऐसा संगठन बनाया जिसमें कि सृजनता, भावनाशीलता, समर्पणता जिनके अंदर हो, ऐसा एक समुदाय उन्होंने बनाया। समुदाय में क्यों कहूँगी मैं, तो ये कहूँगी कि उन्होंने बच्चे पैदा किए, वो बच्चे शानदार शानदार मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे बालक ही हैं। कभी कहा करते थे अरे माता जी तो रानी मक्खी हैं, इनका क्या कहना है, इनकी तो इतनी संतान है। पर भाई माता पिता से ही तो संतान पैदा होती है। तो उनकी प्रेरणा हमारा दुलार दोनों का ऐसी संगति बैठ गई कि बस आनंद आ गया। इस संगठन को बनाने में उन्होंने कितनी जद्दोजहद की होगी अपने जीवन के साथ, क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई होंगी वो मुझे बताई। जो जरा जरा से दिक्कतों में व्यक्ति न मालूम कैसा हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है, दुख भी होता है तब भी पागल होता है और खुशी होती है तब भी पागल हो जाता है, लेकिन वो नहीं हुए, वो किसी भी उसमें विचलित नहीं हुए। उन्होंने हर शानदार कार्य के लिए कदम उठाया, हर बसंत पर्व को उन्होंने एक संकल्प लिया और कार्य रूप में परिणित करते हुए चले गए। जो हाथ में हमारे में पौधा उन्होंने थमाया है, अब बारी हमारी और आपकी आती है कि उन्होंने तो एक शानदार बगीचा हमारे हाथ में दिया और इस विश्वास के साथ दिया कि ये बगीचा फूलेगा, फलेगा, फल देगा और ये फैलता हुआ चला जाएगा, सारे विश्व में ये बगीचा फैलता हुआ चला जाएगा। उन्होंने एक पौधा हमारे हाथ में थमाया बड़े विश्वास के साथ और बड़ी आशा के साथ। उन्होंने ये कहा कि हमारे बाद जो काम करेंगे हमारे बच्चे करेंगे, तुम करोगी
मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। कलेजे पे पत्थर बांधेंगे और बांध लिया है, आंसुओं को सुखा दिया है और हमने विश्वास दिलाया है कि तिल तिल करके गलना पड़ेगा तो गलेंगे, इसी मिट्टी में इसी भूमि में गलना है जहां वो स्वयं गले। उनकी शक्ति, उनका प्रभाव, कितना जबरदस्त प्रभाव, क्या कहने की, जो उनके सामने था तो था, अरे बाद का प्रभाव देखिए। सामने जब वो सूक्ष्मीकरण में गए, सारे विश्व को उन्होंने मत डाला, सारा कार्यभार सौंप करके हम लोगों को, और उन्होंने सारे विश्व को मत डाला। फिर वो कारण शरीर में चले गए। कारण शरीर का विस्तार आप लोगों ने देखा नहीं? देखा ना, क्योंकि ये चर्म चक्षु जो है देख नहीं पाते, जो हमारी विवेक की आंख होती है वो देख पाती है, और चर्म चक्षु क्या देखते हैं, केवल चर्म को, शरीर को देखते हैं, वो शरीर से जुड़े हुए हैं, वो भावनाओं से नहीं जुड़े, वो अंतरंग में नहीं उतरे। जो अंतरंग में नहीं उतरा है, जो समुद्र में जिसने गोता नहीं लगाए है, तो नवरत्न पाएगा कहाँ से, वो नहीं पा सकता है, वो तो घोंगे लाएगा, नवरत्न नहीं ला सकता। जिसने समुद्र मथा उसने सब कुछ पाया पाया। उनके जाने के बाद आपको मालूम ही है कि श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया, अपूर्व उसकी सफलता, जो कोई भी नहीं कर सका और नहीं कर सकेगा। थोड़ा सा कुंभ है इसके लिए सरकारी, और कितने कितने लगे हैं, अरे तेरी का सारी यूपी इकट्ठी हो गई और जाने क्या क्या हो गया, सो सपीड़ा नहीं बंध रहा है। कितने आए साहब, इतने लाख। अरे मैंने कि चुप हो जा बेटा, कहीं लाख नहीं आए, वहाँ मुश्किल से आए होंगे 10,000 तुम्हारे उसमें है कि 10 लाख 5 लाख, काहे बना रहे हो तुम हमें, हमें गिनती बहुत आती है, तुम्हें गिनती नहीं आती है, चलो 10 नहीं होंगे 20,000 होंगे, कुछ होंगे जो भी हो। लेकिन सारा सरकारी तंत्र इस तरीके से उसमें जुट गया कि न मालूम क्या होने वाला है और क्या होगा। और आपके यहाँ, आपके यहाँ जब हुआ तो ऐसा शानदार हुआ कि दांतों तले उंगली दबाते हुए रह गए, और लोगों ने ये कहा कि ऐसा शानदार कार्यक्रम हमने तो अभी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसमें कि आपके राज्यपाल भी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आज धन्य हो गया यहाँ आकर के, यदि मैं नहीं आया होता तो मुझे पश्चाताप होता कि मैंने आयोजन तो देखे हैं लेकिन ऐसा बढ़िया नहीं देखा है। क्या बात थी, उनकी शक्ति विद्यमान थी, उनकी शक्ति उसमें विराजमान थी। चलिए आगे चलते हैं, शक्ति साधना वर्ष जो घोषित किया था उसकी अभूतपूर्व सफलता, इतनी सफलता कि वो सारे विश्व में छा गया। सारे विश्व में ये आपके शक्ति साधना वर्ष, जिसमें जो आपके जो कार्यक्रम हुए हैं वो अभूतपूर्व कार्यक्रम हुए हैं, जहाँ भी हमारे बच्चे गए हैं वहीं सब ने एक स्वर से कहा है अरे कोई मिशन है तो ऐसा है, देखिए कैसे इनके कार्यकर्ता हैं, कैसे इनके प्रतिनिधि हैं, अरे पगले हो तुम क्या जानते हो, हमने किस मेहनत से इनको बनाया है, बनाया है बने नहीं है, जैसे अनगढ़ व्यक्ति होते हैं वैसे ही अनगढ़ थे, पर रोज उनकी धुलाई, रोज उनकी रंगाई, रोज उनकी सफाई करते रहे, रोज उनको बनाते रहे। जिस तरीके से एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है वो तल्लीन हो जाता है उसी में कि कहाँ
कैसी इसकी नाक पे कहीं कमी तो नहीं है, कान पे कोई वैसा तो नहीं हो रहा है, इसके अंदर खूबसूरती आई या नहीं आई, उसी में लगा रहता है दिनों रात, वो बनाने में लगे रहे। जो निकट है उन्हीं को नहीं, जो हमसे जुड़े हैं उनको, और जो हमसे नहीं जुड़े उनके लिए भी, उनके लिए भी जो उन्होंने मेहनत की वो है सारा का सारा श्रेय, जो जाता है वो उनको जाता है, आपको भी जाता है। मैं क्या कहूँ, आखिर तो मैं माँ हूँ, माँ जो होती है वो बच्चे को श्रेय दिलाती है, खुद पीछे रहती है, बच्चे की पीठ तपतपाती रहती है, नहीं बेटा तूने बहुत कमाल का काम किया, अरे थोड़ा सा और चल, अभी तक तू थोड़ा सा चला है, अरे दौड़ तो सही, तू देख तो सही जरा, देख कितना तेने छलांग लगाई, कितना तू दौड़ा है, शाबाश बेटे, ऐसे ही दौड़ते रहना। पीछे से हिम्मत हिम्मत भरते गए और कटाई छटाई भी करते रहे। कहीं दोष दुर्गुण तो नहीं पनप रहे हैं, दोष दुर्गुण पनप रहे हैं, काटो काटो इस पत्ते को, नहीं जी सड़ेगा और सारी टहनी को सड़ा देगा जी, गला देगा गला देगा। अहंकार, अहंकार यदि किसी का है, किसी भी बच्चे को, तो हमने उस अहंकार को मिटाने की पूरी पूरी कोशिश की, मगर नहीं, कार्यकर्ता सो कार्यकर्ता, भाई भाई है, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक, सब एक। अहंकार को गलाइए, अहंकार को आप गला देंगे तो अध्यात्म को पालेंगे, और अध्यात्म को पालेंगे तो आप समाज सेवा भी कर सकेंगे, नहीं तो वो सर्व वही अहंकार ही बैठा रहेगा, अजी साहब हम तो वो हैं, कौन है, अब मैं क्या कहूँ, रहन दो, हम तो बला नहीं है, अरे होंगे, अरे बाबा तो ये कौन पूछ रहा है कि तू कौन था, तुझसे तो सुनने के लिए वो गुरुजी के बारे में, मिशन के बारे में आया है कि तू जो अपनी डींग हाँक रहा है, इसके लिए नहीं है। जो मैंने आपको बताया उनके महाप्रयाण के बाद जो कार्य हुआ, पहला हुआ आपका श्रद्धांजलि समारोह, दूसरा हुआ आपके साधना वर्ष, जो शक्ति साधना वर्ष चल रहा है, इसमें जो कार्यक्रम हो रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि अभी तक तो आपने बता दिया, पर अब आगे की बात बताइए आप, ये तो हमको भी मालूम है, हमने स्वयं ने कार्यक्रम किए हैं तो हमको मालूम है, और श्रद्धांजलि समारोह में भी हम मालूम थे, तो चलिए अब आगे की बात करते हैं कि आगे जो होने वाला है, जो हो चुका है, जितना परिवर्तन हुआ है आपको मालूम नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना महान परिवर्तन हुआ है, और अभी ये परिवर्तन होकर के ही रहेगा, और भी परिवर्तन होंगे, अनेक परिवर्तन होंगे, आप भी हैं और हम भी हैं, आप देख लेना कि कितने परिवर्तन होते हुए चले जाएंगे। आगे की हमारा जो आज हम संकल्प ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि आज से आपको, या जो बाहर हमारे कार्यकर्ता हैं, इनको 4 महीने की उपासना बताई गई है, बाकी का तो आप अखंड ज्योति में पढ़ लेना, जनवरी की आपने पढ़ ली है, फरवरी की आप पढ़ लेना, कौन सा प्राणायाम है, क्या है क्या नहीं है, वो सब आपको पढ़ने में आ जाएगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं खराब करूँ। मुझे तो एक बात कहनी है कि ये 4 महीने की आपकी जो विशेष साधना है, शक्ति तो आपको निरंतर सन 2000 के लिए जब वायदा किया है, तो उसकी पूर्णाहुति पहले कैसे हो जाएगी, पहले नहीं हो सकती, वो तो ये 4 महीने की एक विशेष उपासना है, और वो ही हमारे परिजन करेंगे, जिनको कि समय देना है, जिनको कि मिशन का काम करना है, या किसी और रूप में सेवाएं करनी है, उनके लिए है, और उन्हीं के लिए वो आमंत्रण भी है। कौन सा आमंत्रण है, कि जो पुण्यतिथि आती है गायत्री जयंती पर, उस पर वो बाकायदा शपथ लेंगे, हम शपथ समारोह मनाएंगे, और उसी स्तर का लगभग जैसा पहला मनाया गया था, उतना तो नहीं, क्योंकि हम सेलेक्टेड व्यक्तियों को बुलाएंगे, हम सबको नहीं बुलाएंगे, उसमें
हमारी बच्चियां भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, पर बुलाएंगे हम उन्हीं को जो कि कार्यकर्ता स्तर के हैं, जो जिनकी उमंग नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो वहाँ बैठ करके वहाँ कर सकते हैं। उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको शक्ति देना और इनको भक्ति देना। और तो किसी काम के है नहीं, और किसी काम के नहीं है, तो जो इनकी दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, कठिनाई है, यही इनकी दूर होती रहे, बस इनकी कामना यहीं तक है। लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं, मिशन के लिए करना चाहते हैं, समाज के लिए और राष्ट्र के उत्थान के लिए जो करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों को हम उस समारोह में बुलाएंगे। उसके लिए आप तैयार हो जाइए, कौन कौन के जुम्मे, क्या क्या काम होगा, ये पीछे हम आपको बताएंगे। कौन कौन किस लायक है, वो क्या कर सकता है, कोई शरीर से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है, कोई साहस से कर सकता है, जिसकी जो क्षमता है उसके लिए छूट है। कंजूसी के लिए तो छूट नहीं है, कामचोर हरामखोर के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है, बाकी की सब गुंजाइश है। आप कामचोर हरामखोर मत बनना। गुरुजी जब कभी चिढ़ते थे और कभी गुस्सा आती थी उनको, तो लड़कों को झाड़ते थे। उन्होंने कहा कि बस मुझे एक ही बात की बहुत चिढ़ाई, क्यों भाई, उनकी चाल से वो कैसे चाल मिला हमें। उनका तो हर क्षण कल्पना में ही रहते थे, अब वो कैसे कदम मिला हमें, वो तो बच्चे बेचारे। पर बहुत जोर से झाड़ते थे उनको, मुझे बहुत बुरा लगता है। जो कोई हरामखोरी करता है और काम चोरी करता है, मुझे सबसे ज्यादा चोर लगता है। पैसा चुरा ले जाए वो मुझे चोर कम लगता है, और जो हरामखोरी करता है वो मुझे ज्यादा बुरा लगता है, ज्यादा बुरा लगता है। तो आप में से तो संभव है कोई नहीं होगा, हरामखोरी भी नहीं होगा, काम चोरी भी नहीं होगा। होगा तो आपको निकालना पड़ेगा, आप नहीं निकालेंगे तो प्रकृति की ऐसी पिटाई होगी, ऐसी होगी कि औंधे गिर पड़ेंगे, फिर औंधे गिर पड़ेंगे। यदि आप अभी भी सचेत नहीं हुए तो फिर आप इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं होंगे। फिर तो आपको हजारों जन्म रखने पड़ेंगे, पहले से ही कितने लाख योनि, 84 लाख योनियों में से तो निकल के आए, सब इंसान बने हैं, और अब भी खो दिया हमने, तो फिर जाने कब मिलेगा, कब मिलेगा। अच्छा सा उस सफल समारोह में क्या होगा, और सफल समारोह में होगा देव संस्कृति को फैलाना, देव संस्कृति को उस मायने फैलाना जिस तरीके से कांग्रेस आंदोलन में रावी तट पर प्रतिज्ञा ली गई थी कि हम संपूर्ण स्वराज लाएंगे। और हम शपथ ये लेते हैं, आप भी शामिल हैं उसमें, कि हम देव संस्कृति को घर घर पहुंचा के माने, सारे विश्व में फैला करके मानेंगे, सारे संस्कारों पर हम जोर देंगे। अभी संस्कारों पर ही नहीं है, कोई चोटी रखना नहीं चाहता है, वो समझाना पड़ेगा कि चोटी क्यों रखनी चाहिए, विवाह दिन क्यों मनाना चाहिए, विवाह संस्कार क्यों कराना चाहिए, और जो मुंडन संस्कार क्या है, शिखा स्थापना क्या है, और आपके जो पट्टी पूजन का है वो क्या है, आखिर क्यों उसका करते हैं, वो सारा का सारा समझाना पड़ेगा और करना पड़ेगा। यही नहीं, सारे विश्व में, अफ्रीका आदि देश मत लिए गए हैं, और अब सारे विश्व की बारी आ रही है, हम मत देंगे, बिल्कुल मत देंगे, संस्कारों पर बहुत जोर देंगे, इतना जोर देंगे कि जितनी हमारी शक्ति है उससे ज्यादा हम जोर देंगे कि हर घर में संस्कार मनाने चाहिए। हमारे महोत्सव होंगे पाश्चात्य देशों में, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर महोत्सव मनाए जाएंगे, बाकायदे बैठाल करके, उनको समूह में बैठाल के पूरे उनके संस्कार मनाए जाएंगे। ये हम शपथ लेते हैं कि ये हम करेंगे।
भारतीय संस्कृति को फैलाएंगे, देव संस्कृति को फैलाएंगे। और जो हमारा साहित्य है अभी थोड़ी भाषाओं में है, हम दुनिया की हर भाषा में फैला देंगे। एक भी भाषा नहीं बचेगी, कोई देश नहीं बचेगा। यदि समर्पण है तो सच्चा समर्पण है, नहीं तो झूठा समर्पण है। आंसू बहाते रहे, अरे तो आंसू बहाने से क्या हो जाएगा? जो समर्पण है, यदि सच्चे आंसू हैं, हमारे आंसुओं में वो दम है और हम में वो हिम्मत है, तो करके दिखा देंगे, करके दिखा देंगे कि सारी दुनिया नजदीक आती हुई चली जा रही है और सारी दुनिया के सारे देशों में हम फैला करके मानेंगे ये हमने बीड़ा उठाया है और हम हिम्मत भरते हैं। जब तक जिएंगे तब तक उसी पथ पर चलते रहेंगे जो पथ हमको दिखाया है, जो प्रेरणा हमारे अंदर भरी है, जो शक्ति हमारे अंदर भरी है, उस शक्ति को हम निरर्थक जाने देंगे क्या? निरर्थक नहीं जाने देंगे, बल्कि शक्ति से शक्ति को जोड़ते हुए चले जाएंगे और हमारे पास आएगी। आप जानते नहीं हैं कि घर में यदि फालतू पैसा होता है तो वो गलत रास्ता बताते हैं। करने दीजिए घर वालों को मेहनत, घर में पैसा मत बढ़ने दीजिए। दूसरा, यदि नाव में पानी भर गया है तो आपने उसको नहीं निकाला है तो नाव भी डूबेगी और आप भी डूबेंगे, इसमें दो राय नहीं है, जरूर डूबेंगे, क्योंकि आपने वही नहीं किया है। घर में बाढ़ो दाम और नाव में बाढ़ो पानी, और दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम, ये सयाना काम है। जो समझते हैं इसके बारे में कि हमको क्या करना है और क्या हमको नहीं करना है, अनीति से झुकना है, बिल्कुल नहीं झुकना है, छाती टोक कड़े होना। जब हमने ना अपनी डोरी किसी के हाथ में थमाई दी है तो फिर हमें काहे का डर है? डर काहे का? हमें दिखाई पड़ते हैं कि आप में कितने, आप में अर्जुन हो सकते हैं, कितने आप में से एकलव्य हो सकते हैं, और कितने आप में से विवेकानंद हो सकते हैं। उस शक्ति को आप पहचानते क्यों नहीं है? और कितनी हमारी बेटियां शक्तिशाली हो सकती हैं ये अपनी शक्ति को नहीं पहचानी। शक्ति को पहचानिए, वो अर्जुन की तरीके से आप धनुष मार लेकर खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ, फिर अरे बेटा सारथी तो इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, किसी ने अपने जीवन के रथ को सौंपा नहीं। एक भी सौंप देगा तो धन्य हो जाएगा। आप अपने जीवन के रथ को सौंपिए तो सही, उसकी डोरी उसके हाथ में सौंपो तो सही, फिर देखना आपके अंदर कितनी शक्ति का प्रभाव भरता हुआ आपके अंदर चला जाएगा। मैं कोई कहानी किस्से मैंने नहीं गए, मैंने कहानियां नहीं जोड़ी, मैंने उदाहरण नहीं जोड़े, मैंने वही आप लोगों से निवेदन किया है जो मुझे करना चाहिए, जो मैंने अनुभव किया है। बेटा सब दिया और सब पा लिया, सब चला गया, चला गया, पर शक्ति से भर गए, सौंप दिया पा लिया। जिसने सौंपा ही नहीं हो पा क्या लेगा? वो पा नहीं सकता है, वो पाने का अधिकारी भी नहीं है। पाएगा वही जो देगा, जो देगा सो पाएगा। भगवान से वही शक्ति पा सकता है जिसने भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव रखा है। जिस तरीके से नदी और नाला मिल जाता है, वो पवित्र हो जाता है, गंगा जल हो जाता है, और उसका आचमन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। क्या आपने सौंपा है? क्या कभी समर्पण की भावनाएं रखी है? क्या यदि आपने रखी है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको मिलेगा।
न मान लो तो आप देख लेना, आप में से कितने ही इतने बैठे होंगे जो कि किसी नर्क में पड़े होंगे और आपको स्वर्ग के स्थान पर लाकर रख दिया होगा। क्या क्या यातनाएं आप सह रहे होंगे और कहां से कहां ला करके आपके चिंतन को बदल दिया। तो आप क्या पैसे कोई महत्व देंगे क्या कि गुरुजी आपके हाथ में थमाते कोई चीज वस्तु तो आप उसको महत्व देते। गुरुजी ने तो वो दिया कि वो संसार में कोई भी नहीं दे सकता। उन्होंने सारी अपनी शक्ति को बखेर दिया। उन्होंने कहा बेटे जो जितना लेना चाहो तो आप लीजिए, जितना चाहो उतना लीजिए। इतनी थाती के रूप में वो रख गए हैं, यदि आप इसी को धोते खाते रहें तो मूल पूंजी बनी रहेगी। और जिसने अपने पिता की कमाई को गंवा दिया, नहीं साहब खाते रहो इस कमाई को खाते रहो, तो खप जाएगी, वो तो चौपट हो जाएगी। हमें चौपट नहीं करना है, हमको इस्तेमाल तो करना है, भोगना नहीं है। इतना काम पड़ा है, इतना काम हमें करना है कि बस जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करना है। वो आपको भी करना है, समझ लेना। ये नहीं है हमें ही करना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्यों नहीं करना है? तो हमारे बेटे हो और बेटियां हो, हमारा पूरा पूरा अधिकार है आपसे कहने का कि आप भी दो कदम हमारे साथ साथ चलिए। आपको चलना ही चाहिए और चलना ही पड़ेगा। राजी से चलेंगे अथवा गैर राजी से चलेंगे हमें नहीं मालूम कि किस उससे चलेंगे, पर हम आपको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ये आपसे हम वायदा करते हैं, आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि आपका मल्ला ऐसा है कि जो नाव को डूबने नहीं देता है, जो उसकी नाव में बैठा है वो पार लगाई है। ये बात अलग है कि भाग्य का लिखा प्रारब्ध जन्य जो भोग हैं वो तो पिता नहीं मिटे जाते, कभी सरल हो जाते हैं, हट जाते हैं, और किसी का प्रारब्ध ही ऐसा है कि वो नहीं बढ़ सकता, तो भगवान तो है नहीं जो हटा देंगे। जो तप की शक्ति है उसके द्वारा भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इनको कोई कष्ट कठिनाई ना आवे। पर मानव जीवन है, मानव जीवन में कोई कठिनाई तो आती है, कुछ तो होता ही है। जो जन्म लिया है वो जाता भी है, उसके लिए हमको फौलादी होकर के रहना चाहिए। जो भी हमारे सामने परिस्थितियाँ आए उसके लिए हमको लोहे जैसा होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, साहसी वाला होना चाहिए। अरे देखा जाएगा, अब जो सामने आ गया तो आ गया, अब उससे क्या होता है? अब उससे कुछ नहीं होता, आगे कदम बढ़ाइए। जैसे फौजी बढ़ाते हैं फौजी की तरीके से, लेफ्ट राइट। शक्ति संग शक्ति, इसमें अपार शक्ति होती है, संगठन में अपार शक्ति होती है। जब फौजें जाती हैं तो फौजों को हिदायत दी जाती है कि पुल पर होकर के आप एक साथ मत जाना, नहीं ये पुल टूट जाएगा। क्योंकि वो शक्ति है ना, लेफ्ट राइट ऐसे करते हुए जाएंगे तो ये पुल टूट जाएगा। तो क्या करना चाहिए? बिखेरो वैसे चलो, आप उस तरीके से चलिए ताकि पुल में जो तरंगित इसमें से निकले वो तरंगे न निकले, पुल न टूटे। इस तरीके से चलिए। हम आपको युग सेनानी मानते हैं, और युग सेनानी कैसे होने चाहिए? अब फौलादी होने चाहिए, जबरदस्त। अरे जिधर को चले जाए बस उधर ही को विजय पाते हुए चले जाए। हनुमान जी जिस तरीके से भगवान राम से जुड़ गए थे, पहले कौन थे मुझे बताना? बंदर थे, ऋषिमुख पर्वत पर छिपे बैठे थे, छिपे छिपाए, कोई देख न ले, कुछ हो न जाए। पर भगवान राम से जुड़ने के बाद कितने शक्तिशाली हो गए, वो कितने शक्तिशाली हो गए, पर्वत को उठा लाए, लंका में आग लगाए, सीता की खबर लेके आ गए। उन्होंने कितना कार्य कर दिया। तुम्हारे अंदर कोई शक्ति की कमी है क्या? किसी में भी कमी नहीं है, हमारे बच्चे में किसी में भी कमी नहीं है। है तो उसकी संकीर्णता की, संकीर्णता जो समाई हुई है वो संकीर्णता काम नहीं करने दे रही है। अभी हमें कितनी आवश्यकता है,
आपको अपनी आवश्यकता मालूम पड़ती है कि माता जी कोई आशीर्वाद हो तो दो, बेटा जरूर देंगे, पर तू भी आशीर्वाद दे जा जरा हमें। अरे ये क्या कह रही है, बड़े आशीर्वाद देते हैं कि छोटे देते हैं? अरे बेटा बड़े अपनी जगह पर है, छोटे अपनी जगह पर हैं। क्यों ये क्या कह रही है, हमें भी आवश्यकता है। आप ये कैसे भूल रहे हैं कि ये कितना बड़ा मिशन है और कितनी बड़ी इसकी आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कह रहे हैं, झोली नहीं फैला रहे तुम्हारे सामने कि तुम हमें दे जाओ, ये हम नहीं कह रहे, कतई नहीं कह रहे, न कभी कहा है आज तक और न हम कभी भी कहेंगे। पर मैं तो एक आवश्यकता आपको बता रही हूं, हमें अभी यहाँ हिमालय, देवात्मा हिमालय बनाना है, संस्कृति भवन हमें बनाना है। कितना कार्य हमें करना है, आवलखेड़ा में हमारा इतना कार्य फैला हुआ पड़ा है, जो डिग्री कॉलेज होने जा रहा है वो हमें बनाना है। अभी हमको बहुत से रास्ते तय करने हैं, ये तो मैंने इस साल के बता रही हूँ आपको कि इस साल क्या करना है। अभी जो मैंने इजहार आपसे किया वो पहले तो वो किया कि जो पहले किया उन्होंने किस तरीके से उपासना से वो ऊंचे उठे और वो हिमालय तक पहुंच गए और सागर की गहराई तक, उनकी गहराई का क्या ठिकाना है, उनकी ऊंचाई का क्या ठिकाना है। इतने ऐसे संत की जो संतान होगी वो संत कहलानी चाहिए। ऋषि के पद चिन्हों पर चलने वाले वो ऋषि ही कहलाते हैं, ऋषि के बच्चे कहलाते हैं। ऋषि तो नहीं कहलाते पर ऋषि के बच्चे जरूर कहलाते हैं। हमें बड़ा गर्व होता है कि जब कभी भी वो होता है कि हमारे बच्चों में, जो हमारे बच्चे काम करके आते हैं और वहाँ हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, भगवान करे इनको दीर्घायु इनको मिले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्य करें। आपको समय देना है, समय देना है, आपका श्रम लगना है, आपको ये हमेशा हमेशा शक्ति आपको मिलती रहेगी। पर जैसा मैंने पहले कह चुकी हूँ कि आप अर्जुन बनना, और सारथी है, बड़ा जबरदस्त सारथी है, जरा अपने बागडोर अपने जीवन की डोरी जरा थमा के तो देखो। दोनों हम दोनों आपके दो पहिए बनेंगे, आपके जीवन के रथ के हम पहिए बनेंगे, पर आपको हम समर्थ सामर्थ्यवान देखना चाहते हैं। सामर्थ्यवान संपत्ति के बारे में नहीं, ये कोई मान्यता हमारी नहीं है। हमारी मान्यता वह है कोई ऋषि और ब्राह्मण, ब्राह्मणोचित जीवन जिए, दूसरे के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, इस संसार के लिए एक सबक पैदा करिए। आपसे कोई सबक लेता है, अच्छाई पर चलता है तो फिर आपकी बहादुरी है, और आप अच्छाई के रास्ते पर आप नहीं चले और पीछे को आपने कदम हटाया तो आप भगोड़े कहलाएंगे। जिस तरीके से सेना में जो होते हैं, जो लड़ाई पर जाते हैं, जो पीछे लौटता है उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, चौक मरा हुआ हो गया, उसने अपने फर्ज और कर्तव्यों को नहीं निभाया। ड्यूटी सो ड्यूटी, ड्यूटी सो ड्यूटी। गुरुजी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक देश ऐसा था कि जहाँ विध्वंस सारा का सारा देश हो गया था, उसमें जब पाया गया तो एक सिपाही को अलर्ट पाया गया, उसका जो ढांचा मिला उस स्थिति में मिला कि वो जो सुरक्षा के उसमें खड़ा था, सारे कोई इधर बिखर गए, कोई इधर बिखर गए, सारे के सारे वैसे पाए गए उनके अभी अब सारे, लेकिन उसका जो ढांचा पाया गया वो अपनी ड्यूटी पर अलर्ट पाया गया। उस देश में उसके प्रति नतमस्तक हो गया देश। ऐसी ही जिम्मेदारियां आप निभाना, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी मैंने आज आपको सौंपी है और ये आपसे निवेदन किया है कि गुरुतर आपको सौंपते हैं, उसको धारण कीजिए और धारण कीजिए और दूसरों को भी उसका लाभ लेने दीजिए। आप ही केवल लाभ न लें, आप ही की यहाँ खुशहाली ना आए, दूसरे के भी आए,
दूसरे जो पीड़ा और पतन में जो झुलस रहे हैं उनके भी हमको आंसू पहुंचने हैं और उसके लिए हमको करना है। मैं पहले आपसे कह चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको दोहराए देती हूँ कि क्या क्या मैंने बात कही है। मैंने एक तो कहा यहाँ के विस्तार की बात कहा कि मिशन का विस्तार किस सीमा तक होना चाहिए। देव संस्कृति को घर घर हमको पहुंचाना है, अलग जगाना है, हमको हर घर में जाना है। हमारी कोई बेइज्जती है? नहीं, कोई बेइज्जती नहीं है। काम करने में हमारी गाय की बेइज्जती है? खराब काम करें, चोरी डकैती और कोई काम करें, उसमें तो हाँ शर्म आनी चाहिए। तो अच्छे काम के लिए, धर्म के काम के लिए, संस्कृति के काम के लिए, मिशन के काम के लिए, उसके लिए हमारी गाय की शर्म है? क्या होती है शर्म? कोई चीज़ नहीं होती। आप फौलादी बनिए, फौलादी बनिए। आपसे बस एक ही आज मैंने आज निवेदन किया है, आज गुरुजी का जन्मदिन है, सच्ची श्रद्धांजलि आपकी वही होगी जो आपके अंदर जो श्रद्धा है उसको बाहर आने दीजिए। श्रद्धा केवल इसी मायने में नहीं होती है, पांव छूने में या माला फेरने में, चाहे कर का मन का थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन मन का उसको ज़्यादा फेरिए, फिर आपको ये सारे के सारे रास्ते मिलते हुए चले जाएंगे और आप अग्रसर होते हुए चले जाएंगे, आप विजेता हो जाएंगे, सूरवीर हो जाएंगे। सूरवीरों की तरीके से चलिए, नहीं मरे मराए, अरे क्या गए, मर गए मर गए मर गए मर गए, अरे क्या मर गए भाई, क्या बात हो गई, अजी साहब जुकाम हो गया, आ तो बढ़िया शक्ति आ गई, अरे तो जी बता दे तेरी नाक में जुकाम हो गया है कि सारे शरीर में जुकाम हो गया है, इन सारे शरीर, अजी साहब लड़कियाँ आती हैं सामने तो घुटनों में बड़ा दर्द होता है, अच्छा बेटा कई बार तो कह देती हूँ भगवान से प्रार्थना करूँगा, मन ही मन में हंस भी जाती हूँ, यूँ हंस जाती हूँ कि इसे यूँ पूछो कि तेरे घुटनों में दर्द हो रहा है कि तेरे मुंह में भी दर्द हो रहा है, कि तेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, कि पेट में भी दर्द हो रहा है, पीठ में भी दर्द हो रहा है, सब जगह दर्द ही दर्द हो रहा है। इसका मतलब है कायरता है, इसका नाम है बुजदिली है। बुजदिली है कि हम जरा जरा से रोगों के पीछे ऐसे हो जाते हैं पावले, ऐसे जाने हमें क्या हो गया, अरे कुछ भी नहीं हो गया, तेरा बच्चा बेलाइन चल रहा है तो भाड़ हो जाते बच्चे को सोने को, तेरे उससे वो चला जाता है क्या, उसके लिए तब खर्च करावे, वो करावे तब तेरे बच्चे को ठीक करे, तब तू काम करे, ये भी कोई तरीका है क्या? ये तरीका नहीं है। मांगिए कम दीजिए ज़्यादा, फिर आपको ज़्यादा मिलेगा, फिर आपको ज़्यादा मिलेगा, फिर आपको अंधाधुंध मिलेगा देखना आप। और यही मांगते रहेंगे कि दो बच्चा, चार बच्ची हो गई, अरे अब गए एक कल लड़की आई उसके थी 10 लड़कियाँ। मैंने कहा भाई देख गलती हो गई, 3 और हो जाती तो 53 वही हो जाती, वही हो जाती, जाहिलो काय के पीछे पड़ गए हो, औलाद पे औलाद बढ़ाते चले जा रहे हो, जही तुम्हारे साथ जाने वाली है क्या, जही तुम्हारी संपत्ति है, जही भगवान है क्या? अरे भगवान बहुत ऊंची चीज़ है, उसके लिए हमें करना है कि सारी जिंदगी लपड़ गुट्टों के लिए मर जाओगे और किसी दिन यो ही चले जाओगे, दोनों हाथ पसारे मुट्ठी बांध कर आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। जो अच्छा कार्य करेगा उसको श्रेय मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। पैसा तो दो कौड़ी की चीज़ें कुछ नहीं है, हाँ पैसे से भी काम चलता है जैसा मैंने अभी पहले कहा था, पर पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपकी जीवात्मा भी कुछ है, जीवात्मा के लिए भी कीजिए कुछ, अपनी बुद्धि के लिए भी कीजिए कुछ, भगवान के लिए भी कीजिए, अपनी घर गृहस्थी के लिए भी कीजिए, अपने फर्ज और कर्तव्यों को भी अदा कीजिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि घर और परिवार को छोड़ देना चाहिए, जब हमने नहीं छोड़ा तो आप क्यों छोड़ेंगे, आप तो हमारे बच्चे हैं, छोड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन वो जरूर है कि जो मकड़ी की जाली की तरीके से उसमें फंस जाते हैं, मोह की जंजीरों में जो जकड़ जाते हैं, हम आपका मोह कम कराना चाहते हैं ताकि आप काम के साबित हो सको। अभी काम के साबित नहीं, जब मोह ही छाया हुआ है तो मोह ही नहीं कुछ करने दे रहा है, हर समय मोह, जहाँ जाओ वही मोह, जहाँ जाओ चंडी देवी, मनसा देवी, हनुमान जी, रामचंद्र जी और जो भी है महादेव जी और हनुमान जी, दे जाओ सब तो दे ही जाओ, और तू भी किसी को देगा कि नहीं देगा, ना मैं तो सबका लूँगा, तब तो बेफिक्र रहे, वो ऐसे पागल नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, वो सब होशियार है, एकाएक होशियार है, एकाएक होशियार है, जिसने त्याग किया है उसने पाया है, तपश्चर्या की है उसने पाया है, जिसने संसार को दिया है उस संसार से लेने का हकदार है,
और उसे मिलेगा नहीं, और मिलता भी रहा है हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को, हमारे संतों को, सबको मिला है, गुरु जी को मिला, कितना मिला आया है। इतने तो बच्चे मिले, बच्चे एक दो बच्चे के लिए मरे जाते हैं, और यहाँ तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं। अभी तो हम कहाँ से कहाँ और छलांग लगा रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं जो गायत्री जी, अभी आपका अभी तो युग संधि पुरुष क्षण की दो पूर्णाहुति रह गई हैं, दो पूर्णाहुति रह गई हैं, सन 95 की और सन 2000 की। उसमें 50 लाख का तो हमने एक वो किया है कि 50 लाख पहली पूर्णाहुति में भागीदार बनेंगे, और 1 करोड़ दूसरी पूर्णाहुति में भागीदार बनेंगे। इतने बच्चे सब इतने हैं आपके पास, अरे और क्या समझते हो, जितनी भी सरकार है और जितनी वो हैं सबके मुंह में पानी आ रहा है। अजी साहब इनके पास इतने जबरदस्त, इतनी संघ शक्ति है इनके पास, इतना है जो भी प्रांत और जो भी राज्य जो सुनते हैं सो ये कहते हैं अजी साहब इनके पास इतनी शक्ति है, और क्या समझते हो, हमारे पास हमारे बच्चों की शक्ति है। आए आए कितने दौलतमंद हैं हम, किसी के पास क्या दौलत होगी, हम अरबपतियों के अरबपति बैठे हैं, क्योंकि हमारी इतनी बैंक है, तुम सुन मत लेना कौन सी बैंक में कहाँ है, सुन लोगे तो तुम कर लोगे, वहीं से ले आओगे, डकैती डाल लाओगे। नहीं नहीं मैं नहीं बताती, पर खैर बता दूँ, नहीं तुम ये कहोगे कि भाई माता जी छिपा रही हैं, नहीं अपने बच्चों से क्या छिपाना है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप जितनी भी आप बैठे हो, जैसा मेरी बैंक है, एकाएक मेरी बैंक है, जब चाहूँ तभी क्रेडुला, भाई भाई ज़्यादा नहीं संभाला जाता, अब तू ले जा, जो हमारे काम का है सब ले लेंगे, जो हमारी बैंक है बेटी आप हमारी बैंक हो, आप हमारे बच्चे हो, हम आपको छाती से लगाएंगे, आपका सिर सहलाएंगे। आपसे आज जो मुझे कहना था वो यही कहना था कि आज वो पर्व है का जो भुलाया नहीं जा सकता। जन्मदिन तो अनेकों मनाए जाते हैं, मनते ही हैं, लेकिन ऐसा जन्मदिन आनंद आ गया इस जन्मदिन पर, ये सार्थक लग गया। और भगवान करे किन्हीं के जन्मदिन हो ऐसे जो ऐसे मना सकें, ऐसे बन सकें, तो वो हमारे दिल के टुकड़े होंगे, हमारे दिल के टुकड़े होंगे वो, जो ऐसा जन्मदिन का बनाया जाए, ऐसे बने आगे चल करके वो संत बने, ऋषि बने, दूसरों को ऐसा बनाए, तो वो सार्थक हो जाएगा। आज जिनका जन्मदिन है गुरु जी का, उनके लिए बार बार कोट कोट प्रणाम है, उन्हीं के पद चिन्हों पर हम और आप चल सकें तो धन्य हो जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। ओम शांति। भगवान करें आप सब लोग फले फूलें, आप में शक्ति और सामर्थ्य आए, ताकि आप लोक मंगल का कार्य कर सकें।